चीज को जो है ये खबर में कितनी सदाकत है कितनी सच्चाई है और मेजर जो गौरव आर्या जो है फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है वो किस तरह सबक सिखाते हैं और कैसे जो है वो बात करते हैं बहुत ही मजेदार किस्म की डिस्कशन होने वाली है लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा वैसे तो ट्रेड यार खुल जाए तो अच्छा ही है पाकिस्तान का ही भला होगा तो बगैर टाइम को वेस्ट की वीडियो की तरफ चलते हैं जैन दोस्तों गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट right. दोस्तों मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ये गए अमेरिका आईएमएफ के सामने नतमस्तक होने नत्मस्तक के लिए कि भैया कुछ पैसे और दे दो वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी कमेंट यह था कि नो ट्रेड विद नेबर्स इन लॉजिकल यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए करनी ही पड़ेगी अब दोस्तों दो तीन चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा यह बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को हम ना भूलें हम लोग ईरान इसराइल हमास हिजबुल्ला यूक्रेन रशिया इनको तो कवर कर ही रहे लेकिन बगल का जो नासूर है आप उसको कैसे भूल सकते हैं राइट अब देखिए बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड कब सस्पेंड हुई भारत और पाकिस्तान की ट्रेड सस्पेंड हुई है 8 अगस्त 2019 हजार उन्नीस को आठ अगस्त 2019 को क्यों हुई क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने तीन सौ सत्तर पैंतीस से रिवोक कर दिया इमरान खान गुस्सा हो गए उस समय वही वजीर आजम थे पाकिस्तान के गुस्सा हो गए हटाओ कोई भारत से ट्रेड नहीं होगी कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई तो उनके एक मंत्री ने चुपचाप से बोला कि जनाब ऐसा काम करते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करते हो यहां पर जूते पड़ रहे हैं मैं नहीं 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 यू टर्न लिया उसके ऊपर जबकि बाद में मंत्री ने बोला कि यार इमरान खान ने हां बोल दी थी तभी तो मैंने जाके मीडिया से बात करी थी। फिर इमरान खान ने बोला नहीं इसको तो पुषबैक बहुत ज्यादा है चलो इसको हटाओ पीछे यू टर्न लो आज की तारीख में पाकिस्तान में हर एक किस्म की प्रॉब्लम है आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे का कतल कर रहे हैं दोस्तों सही बात एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है ये जो ट्रेड की बात करी मोहम्मद औरंगजेब ने उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा ये है क्या मैटर ट्रेड का यार देखिए साहब 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का यू नो दे सेड कि यू आर मोस्ट फेवर्ड नेशन हमने आपको दिया है पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन इज दैट कि हम जिस भी देश के साथ ट्रेड uh, करेंगे हम कॉमर्स करेंगे एवरीबडी टू बी प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज अगर हम एक कंसेशन किसी को दे रहे हैं तो दूसरे को भी वही कंसेशन देना पड़ेगा आप किसी के लिए ज्यादा यू नो यू कांट यू कांट से दैट आई एम फेवरिंग दिस कंट्री ओवर दिस कंट्री तो एमएफएन आपने दे दिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर जो है उनमें सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया फिर पाकिस्तानी जाके बकवास भी करते हैं ये, ये कौन पूरी ऐसी बकवास करती कि भारत ने ट्रेड बंद कर दी सबसे पहले एमएफएन की बात होनी चाहिए मुझे लगता है कि भारत को एम देना ही नहीं चाहिए था रेसिप्रोकल होना चाहिए था हम आपको एम दे रहे हैं आप हमें तो पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं और पाकिस्तान ने क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया भारत को इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब हम कश्मीर का गाना गाएंगे हम कश्मीर का गाना गाएंगे कश्मीर का गाना बजाएंगे और यह बोलेंगे भारत को कि हम तुम्हें एमएफएन तब देंगे जब तुम कश्मीर पे बातचीत करोगे और कश्मीर का मसला सॉल्व करोगे ये पाकिस्तान का हर समय एक एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है और ये कितना घटिया पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं ट्रेड करने के लिए अभी अभी हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि दो लाख सोलह हजार गधे भेजे यह तो इनकी औकात है यार ये गधे भेज रहे हैं चाइना को ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये ट्रेड की बात कर रहे हैं मुझे बात समझ में नहीं आ रही देखो कल परसों की खबर हमने आपको बताई थी ये दो लाख सोलह हजारधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना ये आपको पता है डन दूसरी चीज मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहां पर भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की आप समझ रहे हैं? भारत के साथ ट्रेड करने की ऑप्शन है नहीं ऑप्शन है नहीं क्यों नहीं ऑप्शन है यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों जब 2019 में भारत ने यह विड्रॉ करा मामला राइट जब जब पुलवामा का अटैक हो गया और 40 भाई हमारे सीआरपीएफ की वीरगति को प्राप्त हो गए उसके बाद भारत ने बोला नो 14 फरवरी को अटैक हुआ 15 तारीख को हमने विड्रॉ कर लिया कर लिया प, 15 तारीख को विड्रॉ अब देखो 15 तारीख को विड्रॉ कर लिया पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा मातम मन गया ऐसा हल्ला हो गया कि जैसे भारत ने कोई पाकिस्तान के अधिकार की चीज छीन अरे भाई हमने दी थी हमने वापस ले ली तुमने तो दी नहीं थी भिखारियों तुमने कभी दी थी तुमने नहीं दिया था हमें एमएफएन का स्टेटस हमने तुम्हें दिया था और हमने छीन लिया खैर अब दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं विक्टिम कार्ड भारत का ये भारत का वो पूरा ड्रामा इन लोगों ने रचा भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बाद भारत ने राइट पुलवामा के बाद भारत ने इनके ऊपर बालाकोट और कर दिया किलस गए बहुत बुरी तरीके से अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं दोस्तों भारत की इकोनॉमी तकरीबन तकरीबन उस समय राउंड टू पॉइंट ट्रिलियन की थी 2.7, 2.8 ट्रिलियन के आसपास की थी भारत की इकोनॉमी 2019 में हुँ. जब भारत ने पाकिस्तान से टाटा बाय बाय बोला था ठीक है एक तो एम भारत ने हटा दिया दूसरा पाकिस्तान ने भारत से बोला कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे वो उन्होंने करा अगस्त में जाके ठीक है जब भारत ने तीन सौ से हटाया था उसके बाद तो पहले हमने एमएफएन वापस ले लिया अपना जो हमने दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने तो दिया नहीं था कह रहे नहीं वे और फिर बाद में उसी साल पाकिस्तान ने बोला ट्रेड बंद करो दोस्तों तो जब 2019 में पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड और कॉमर्स का मामला बंद हुआ अगस्त में तो भारत की जो जीडीपी थी दैट वॉज टू पॉइंट ट्रिलियन यूएस डॉलर आज की तारीख में चार ट्रिलियन क्रॉस कर गई है इट एज क्रॉस फोर ट्रिलियन तो अब आप बात बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड के लिए डज डॉक्टर लीड पाकिस्तान तो दोस्तों जब से भारत हटा है इस पूरे ट्रेड और कॉमर्स के मामले पाकिस्तान से रिश्ते टूटे हैं चाहे पाकिस्तान में तोड़े हो भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है पाकिस्तान पनौती है वो 2019 में पनौती हट गई तो भारत ने तरक्की करी और मैं तो यही बोलूंगा यार पाकिस्तान से जितना दूर रहो भारत की उतनी तरक्की होगी मोहम्मद औरंगजेब क्या चाह रहा है भारत से क्या चाह रहा है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही तुमने पूरा सी पैक बना दिया चाइना कहता है हमने 65 अरब डॉलर उसके हाफ डाला हो हो तुमने आधा खा लिया हो, अलग चीज है लेकिन चाइना ने इन्वेस्ट तो तो करा है तो यार ये जो तुम्हारी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची है दोस्ती चाइना के साथ क्या वो तुम्हें प्याज और टमाटर नहीं दे सकते तुम्हें क्यों चाहिए भारत और बार बार तुम भारत के साथ क्या मैं पाकिस्तानी आपसे पूछता हूं क्या कभी वंस आपने सुना है भारत से किसी को बोलते हुए कि यार पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए आपने सुना है जबकि हम लोगों ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था हम लोगों ने दिया था 1996 में आप लोगों ने कभी नहीं दिया आप लोगों ने कभी इतनी तमीज नहीं थी कि भैया एक एम का स्टेटस दे रहा है तो हमें भी देना चलो कश्मीर कश्मीर आप कहा गया कश्मीर पूछो मोहम्मद औरंगजेब से नाम तो इतना लंबा चौड़ा है उसका औरंगजेब टाइप का इससे पूछो कहां गया कश्मीर बेच दिया तुम लोगों ने बिक गया कश्मीर आज क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो कि इट इज नॉट एन ऑप्शन खान ने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी सत्तर पाकिस्तानियों से मैं बता रहा हूं सबको इकट्ठा करो तेईस चौबीस पच्चीस करोड़ जितने हैं इनको इकट्ठा करके इनसे पूछो तीन सौ सत्तर पैंते से जिसके लिए तुम छाती पीट तो है क्या नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट विल नॉट नो वो थ्री थर्टी फाइव भारत के आइन का हिस्सा था भारत ने स्वेच्छा से अपनी खुशी से उसको डाला अपनी खुशी से निकाल दिया प्रोविजन था तुम्हारा क्या लेना देना उससे यार तुम्हारा क्या लेना देना है उससे मैं मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कल यौ में सिहा पता नहीं क्या क्या ड्रामा पता नहीं कौन से अरबी के वर्ड ये लोग यूज करते हैं वो मना रहे थे पाकिस्तानी छाती पीट रहे थे कि 27 तारीख 27 तारीख के 27 अक्टूबर को ये हुआ कि इंडियन फोर्सेस कश्मीर में लैंड हुई हमारा दिल बड़ा दुख रहा ये सब ड्रामा करते हो तुम लोग क्या करते हो तुम कश्मीर के लिए एक बात बताओ एक चीज बताओ जो तुमने अपने सो so कॉल्ड आजाद कश्मीर सो कॉल्ड बाल्टिस्तान के तुमने एक काम बताओ बताओ तुमने ये काम करा है बताओ मुझे लिखो कमेंट्स में कि साहब हमने यह करा है हमने वहां पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दी हमने एक कैसा अस्पताल बनाया कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हेल्थ करने आप बताओ ना बकवास करते हो पूरी की पूरी हद्दी हो गई यार मुझे ना ये आप ही देखो हो परसों साइन करता है कि दो लाख सोलह हजार यही मोहम्मद औरंगजेब दो लाख सोलह हजार गधे हम चाइना को देंगे गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं डोंट डोट मिस्यूमन इन दिस गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे ही गधे का ऑर्डर साइन करता है फट से जहाज पकड़ के अमेरिका जाता है आई से भीख मांगने के लिए गधा एक्सपोर्टर भीख मांगता है और भारत को कह रहा है कि यार नॉट ट्रेडिंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ ट्रेड तुम्हारे पास है क्या हमें तो गधे चाहिए हमें गधे नहीं चाहिए इसीलिए तो बंटवारा हुआ देश का क्योंकि हमें गधे नहीं चाहिए भाई हमें हमें नहीं नहीं चाहिए चाहिए वी 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 डोंट डोंट नीड नीड डोंकीज डोंकीज दैट इज द ऑफ इंडिया बिकॉज गधे और बताओ तुम्हारे पास क्या है देने को तुम क्या बनाते हो एक बात बताओ पाकिस्तानी तुम चाहते हो भारत के साथ ट्रेड करो तुम बनाते क्या हो ये समझाओ मुझे कि मेजर साहब हम ये चीज बनाते हैं जो भारत में कुछ है नहीं तुम्हारे पल्ले हैं ट्रेड चाहिए भारत से ओके okay गाइस तो मेजर गौरव आर्या दोबारा से पाकिस्तान की क्लास ली इन्होंने ठीक है अच्छे से ली उन्होंने बोला कि हमें भाई क्यों धमकियां दे रहे हो कि तो हम ट्रेड नहीं कर सकते या कर, करना चाहिए हम लोगों को इंडिया भाई अपनी मर्जी का मालिक है ट्रेड करे ना करे उनको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता ना इस मामले के अंदर बस यही है कि भाई कर लो ट्रेड पाकिस्तान का कुछ भला हो जाएगा चाइना को तो गदे बेच दिया बाकी हमारे पास है तो कुछ भी नहीं है और रही बात अगर कश्मीर की बात करते तो कश्मीर के अंदर कुछ डेवलपमेंट तो वाकई नहीं की बात तो वो भी सही कह रहे कोई एक यूनिवर्सिटी कोई एक कॉलेज बता दो कि जो मतलब पाकिस्तान वालों ने जो है वो कश्मीर के अंदर बनाया बट जम्मू कश्मीर के अंदर तो देखो ना मोदी जी ने कितनी चीजें बना दी डेवलपमेंट कर दी तो बस यही चीजों को लेकर तो फिर जो है ना क्लाशेस चलते हैं तो खैर आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना अपनी रिकमेंड सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक शेयर करते जाएगा तो चले कैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय